राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 22 अक्टूबर 1925 के अपने अखबार यंग इंडिया में सात पाप का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है। सिद्धांत के बिना राजनीति, कर्म के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। इस विषय पर अनेकानेक विद्वानों ने बहुत गहराई से लिखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो पहला पाप सिद्धांत के बिना राजनीति का, उसका आज हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने उनके ही शब्दों में अगर लें तो उन्होंने इसे स्पष्ट किया है कि सत्य के बिना राजनीति करने से अराजकता पैदा होती है, जो अंततः हिंसा की ओर ले जाती है। आज हम देखते हैं कि राजनीति, सत्य और असत्य, सही गलत, गुण अवगुण, न्याय अन्याय की परवाह नहीं कर रही है, अपना पराया को देखकर व्यवहार कर रही है। अपने साथ है तो बचाना है कि चिंता करती है, तो यह सिर्फ सत्ता के लिए किया जा रहा है, जो लोकतंत्र और देश के लिए अहित कर है। इस विषय पर कुछ विद्वानों ने लिखा है कि राजनीति समाज और देश की दिशा व दशा को निर्धारित करती है, परंतु यदि राजनीति सिद्धांत रहित हो तो वह मानव कल्याण नहीं बल्कि अहित कर सकती है, क्योंकि सिद्धांत बिना राजनीति का एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त की जाए, जिससे साधन भी अपवित्र हो जाते हैं। यह विषय बहुत गहरा है, विवादास्पद है, इस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। एक अन्य विद्वान सुषमा शर्मा ने इस विषय को गहरे शब्दों में लिखा है। वह राजनीति जो तात्विक रूप से अस्तित्व की समझ नहीं रखती और मनुष्य की सीमाओं को जाने बिना उसे जनार्दन का रूप दे देती है, उसके बाद उस मनुष्य से मनमाना वोट वसूल करती है, यह पाप नैतिक या अनैतिक सिद्धांत की परवाह के बिना राजनीतिक सत्ता की खोज को संदर्भित करता है। निश्चित ही आज के संदर्भ में, आज की राजनीतिक वातावरण पर इस विषय पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।